दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हैरान भी करती हैं और परेशान भी। ऐसी घटनाएं देश के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। अब भारत के सामने भी ठीक यही परीक्षा आई है। जो देश भारत की मदद करता रहा है, अब उसी देश को भारत का दूसरा साथी देश इजराइल नक्शे से ही मिटा देना चाहता है। आपको बता दें कि भारत के दो मित्र देश इजराइल और अमेरिका भारत के तीसरे मित्र देश ईरान को खत्म कर देना चाहते हैं। इसका ट्रेलर इजराइल और अमेरिका ने दिखा भी दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आपको सबसे पहले इस युद्ध अभ्यास के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे ये विवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। 23 जनवरी को अमेरिका और इजराइल ने जुनिपर ओक नाम का एक युद्ध अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ये एक ऑल डोमेन युद्ध अभ्यास है, यानी समय आने पर हवा, जमीन और समंदर के अलावा अंतरिक्ष से भी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका के 6,400 सैनिक और इजराइल के 1,100 सैनिक शामिल हो रहे हैं। अमेरिका ने इस युद्ध अभ्यास में अपना खतरनाक B-52 बॉम्बर उतारा है। इस युद्ध अभ्यास में 142 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इजराइल के युद्धपोत और मिसाइल सिस्टम भी इस युद्ध अभ्यास में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका और इजराइल तो ईरान को नक्शे से ही मिटा देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ईरान पर रूस का हाथ है। ईरान के भारत के साथ भी गहरे रणनीतिक संबंध हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पूरे युद्ध अभ्यास में भारत की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर कभी सही में अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जंग छिड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा। क्योंकि भारत की दोस्ती इजराइल से अटूट है, अमेरिका भी भारत का सहयोगी है, तो वहीं ईरान भी भारत के लिए बेहद जरूरी है। आप एक बार नजर डाल लीजिए कि भारत के लिए ईरान कितना जरूरी है। ईरान ने हाल ही में भारत के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो ईरान ने रूस के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस और ईरान ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला था। ये कॉरिडोर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा ईरान से होकर ही गुजरता है। इस कॉरिडोर से भारत को कई फायदे मिल सकते हैं। ये कॉरिडोर बनते ही पूरा यूरोपीय बाजार भारत के लिए खुल जाएगा। इसके अलावा ईरान में बन रहा चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद जरूरी है। भारत ही इस पोर्ट का निर्माण कर रहा है। इन सभी के साथ ईरान ने हाल ही में भारत को रूस की तरह सस्ता तेल देने का भी वादा किया है, क्योंकि ईरान भी अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है और दुनिया को तेल नहीं बेच पा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान भारत के लिए कितना जरूरी है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान है। ये स्थिति भारत की कूटनीति की एक बड़ी परीक्षा है।